हेलो दोस्तों, आई एम अंकित गोयल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील यानी डक्टाइल मटेरियल के लिए। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल यानी कास्ट आयरन हो गया, आपका ग्लास हो गया, स्टोन हो गया, कंक्रीट हो गया, इसके लिए हमने डिस्कस किया था। इसको हमने टेंशन में भी डिस्कस किया था और कंप्रेशन में भी। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पर टॉर्शन ट्विस्टिंग करते हैं तो किस तरीके से फेलियर होगा। तो इसके आगे अगर हम अब आए हैं लेकर के आपके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर मटेरियल। अदर मटेरियल मतलब जैसे कि फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील में पहला हम पढ़ेंगे जैसे प्योर आयरन देखें, अगर हम कार्बन स्टील देखें, हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील देखें और क्विंचेस और टेम्पर्ड स्टील। तो देखिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपको मैंने अलग अलग मटेरियल के लिए बनाकर का ये मैंने ग्राफ को किया है। इस ग्राफ में देखिए स्ट्रेन बढ़ रहा है, प्योर आयरन में सबसे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। इस केस में प्योर आयरन के केस में स्ट्रेन ज्यादा है तो यील्ड स्ट्रेस क्या है, कम है। कार्बन स्टील में स्ट्रेन थोड़ा सा कम हुआ तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैं चलूं हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील में स्ट्रेन और कम हुआ तो यील्ड स्ट्रेस और बढ़ गई। नेक्स्ट क्विंचेस टेम्पर्ड स्टील में स्ट्रेन और कम हुआ तो यील्ड स्ट्रेस बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं हम कि अगर यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, अगर यील्ड स्ट्रेस बढ़ती है तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन कम होती है। ठीक है, मतलब सॉरी, अगर यील्ड स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा। अब सोचिए थोड़ा सा, जैसा कि मैंने अभी माइल्ड स्टील पढ़ा था, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो, डिफॉर्मेशन हो, डिफॉर्मेशन हो मतलब जिसमें स्ट्रेन ज्यादा आ सके। माइल्ड स्टील मैंने बोला डक्टाइल मटेरियल होता है, क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले तो ये डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर। कोई आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, डक्टाइल मटेरियल का डक्टिलिटी क्या होता है, स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। किसी मटेरियल में कितना स्ट्रेन है फ्रैक्चर के पहले, इसी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी, स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें आ रहा है, प्योर आयरन में, मतलब सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन होगा, प्योर आयरन। फिर उससे कम कार्बन स्टील, उससे कम हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील, और उससे भी कम क्विंचेस और टेम्पर्ड स्टील। बट स्ट्रेन बढ़ेगा तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, सबसे पहला कि अगर यील्ड स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन क्या होता है, कम होता है, और स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि कोई मटेरियल में कितना स्ट्रेन है फ्रैक्चर के पहले, इसी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है तो उसका यील्ड स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा, यील्ड स्ट्रेन कम होगा एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट, अगर यील्ड स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, ये जो भी जितने भी हम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील पढ़ रहे हैं, इन सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। चलो तो दोस्तों फिर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अभी मैंने जैसे कि डिस्कस किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर मटेरियल, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, सबसे पहले इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, अगर मैं एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करूं, स्ट्रेस और इधर पे स्ट्रेन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर की अगर बात की जाए तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है एल्यूमिनियम कॉपर का, वो कैसा बनता है, नॉन लीनियर टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो लीनियर नहीं होता है। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर है, अब इन इस केस में अगर आपको यील्ड स्ट्रेस निकालना है, जैसे अभी हमने पढ़ा था माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन आपका माइल्ड स्टील ऐसा आ गया, ये ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट, ये आपने बोला अपर यील्ड पॉइंट और ये लोअर यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट के करस्पोंडिंग आपने क्या निकाल लिया, ये यील्ड स्ट्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया था। बट इस केस में
बट इस केस में इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो नॉन लीनियर बनता है, ये कर्व लीनियर नहीं है। तो टू कैलकुलेट द यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू कैलकुलेट यील्ड स्ट्रेस वी यूज ऑफसेट मेथड। यील्ड स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, ऑफसेट मेथड का। अब ऑफसेट मेथड क्या बोलता है, ऑफसेट मेथड बोलता है कि 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का कितना 0.2%, 0.2% यानी कितना होगा 0.002% प्रूफ स्ट्रेन, 0.2% प्रूफ स्ट्रेन पे, स्ट्रेन पे 0.2% मतलब 0.002 की दूरी पे इनिशियल में ये जो कर्व है इसके पैरेलल, ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग द इनिशियल, इनिशियल स्ट्रेट लाइन के अलोंग आप एक क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये कर्व पे जाकर के जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके करस्पोंडिंग जो होगा स्ट्रेस, इसी को क्या बोलोगे आप यील्ड स्ट्रेस, इसी को क्या बोलोगे यील्ड स्ट्रेस। इस मेथड को बोलते हैं ऑफसेट मेथड। क्या, तो अगर जो एल्यूमिनियम और कॉपर होता है, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो कैसा बनता है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। तो उसमें मुझे यील्ड स्ट्रेस को निकालने के लिए मैं यूज करता हूं ऑफसेट मेथड। इन केस ऑफ ऑफसेट मेथड मैं 0.2% प्रूफ स्ट्रेन लेता हूं, इनिशियल टेंजेंट लाइन के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करता जाता हूं, कर्व पे जिस पॉइंट पे वो लाइन कट करेगी उसको मैं क्या बोलूंगा यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट ये वैल्यू कितना हो गया आपका यील्ड स्ट्रेस Fy, ये कितना होगा हम जानते हैं हुक्स लॉ, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा E, स्ट्रेन इक्वल टू क्या स्ट्रेस बाय इलास्टिसिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे Fy बाय E, ये डिस्टेंस को। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0.002 प्लस Fy बाय E। कुछ याद आया इस इक्वेशन को देख करके, आरसीसी में आप यही इक्वेशन यूज करते हो, आरसीसी में जो स्ट्रेन लेते हो अब वो ऐसे ही लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑफसेट मेथड। तो कभी भी अगर नॉन लीनियर टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन करवाता है तो उसमें हम यूज करते हैं ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड कुछ नहीं है, सिंपल 0.2% प्रूफ स्ट्रेन लेंगे, स्ट्रेन पर 0.2% दूरी पर इनिशियल टेंजेंट लाइन के पैरेलल में क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, कर्व पे जिस पॉइंट पे जाकर के वो लाइन कट करेगी उसको ही क्या बोलोगे आप यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस ये क्या आपका स्ट्रेन हो गया और ये Fy / E और ये आपका स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको याद रख लीजिए। जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है वो एल्यूमिनियम का वो 1/3 होता है किसके, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, ये आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर मटेरियल्स एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अदर मटेरियल में आज हमने क्या पढ़ा था कि अदर मटेरियल में क्या, सबसे पहला कि अगर यील्ड स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन क्या होगा फॉल डाउन होगा। नेक्स्ट स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, जो स्ट्रेन होता है फ्रैक्चर के पहले उसी को क्या बोलते हो आप डक्टिलिटी बोलते हो। और डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या लेंगे सेम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमने पढ़ा एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बनता है नॉन लीनियर, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट, मैं एक पॉइंट लिखा देता हूं लिख लीजिए। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर। टू ऑब्टेन द यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस को ऑब्टेन करने के लिए टू ऑब्टेन द यील्ड स्ट्रेस वी यूज ऑफसेट मेथड। इन दिस मेथड वी टेक 0.2% प्रूफ स्ट्रेन एंड ड्रॉ अ लाइन इन लाइन पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट लाइन द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी टेक यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट ये स्ट्रेन रहेगा, ये स्ट्रेन का आप यूज करते हो आरसीसी में। नेक्स्ट ये आप याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी जो एल्यूमिनियम का होता है वो 1/3 होता है किससे स्टील से। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करता हूं आपसे ब्रिटल फ्रैक्चर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर।
सबसे पहले तो दोस्तों मैंने जैसे कि पढ़ाया कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि ब्रिटल मटेरियल ऐसा लोड, ऐसा मटेरियल जिस पे आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा फेल हो जाएगा। ठीक है, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा था, ये स्ट्रेस और ए स्ट्रेन कर मैंने पढ़ा है। ब्रिटल मटेरियल सीधा आपने टेंसाइल लोड लगाया इस पे ब्रिटल मटेरियल पे तो सीधा ये क्या हो गया, इधर पे ही फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि कॉम्प्रेसिव लोड ज्यादा रजिस्ट कर सकता है एज कंपेयर टू टेंशन, और ये है आपका डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जनरली मैंने आपको डिस्कस किया था, उसमें आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन बहुत पर्याप्त होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो मैं अभी आपसे एक टर्म डिस्कस करता हूं, ब्रिटल फ्रैक्चर। ये क्या है ब्रिटल फ्रैक्चर? एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कभी आपका डक्टाइल मटेरियल, अगर कभी आपका डक्टाइल मटेरियल अगर ब्रिटल मटेरियल की तरह क्या करने लगे, बिहेव करने लगे, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। व्हेन डक्टाइल मटेरियल बिहेव्स एज अ ब्रिटल मटेरियल देन विल ही विल कॉल्ड एज ब्रिटल फ्रैक्चर। कि अगर डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल की तरह फेल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ब्रिटल फ्रैक्चर, कि डक्टाइल मटेरियल है उस पर आपने लोड लगाया और सीधा वो फेल हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। ऐसा कब हो सकता है? पहला हो सकता है ये अंडर सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन, अंडर सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन। सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन के केसेस में, जैसे कि अगर ये कोई डक्टाइल मटेरियल की रॉड है, डक्टाइल मटेरियल की रॉड है, आप इसको ऐसी जगह ले गए जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, अगर बहुत ज्यादा कम है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि डक्टाइल मटेरियल सीधा क्या हो जाए, कम लोड लगाने पे ही सीधा क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ब्रिटल फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखें, कभी कभी जैसे सबके घर में फ्रीज होता है, फ्रीज में आप बर्फ बर्फ जमाते हैं, ट्रे होती है बर्फ की, प्लास्टिक की ट्रे होती है, वो भी एक तरीके से क्या है, डिफॉर्मेशन उसमें ज्यादा हो सकता है आपका, डक्टाइल मटेरियल है। पर अगर वो बर्फ जमी हुई है उसमें और आप कभी कभी उसको निकालते हो और अगर आपसे हाथ से छूट जाए तो वो टूट जाती है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, वो उसको भी आप क्या बोलोगे, एक तरीके से क्या हुआ है, वो ब्रिटल फ्रैक्चर। की जब डक्टाइल मटेरियल किसकी तरह बिहेव करने लगे, ब्रिटल मटेरियल की तरह, तो उसको बोलेंगे ब्रिटल फ्रैक्चर। पहला का हो सकता है अंडर सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन, मतलब ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो। दूसरा हो सकता है प्रेजेंस ऑफ नोच, नोच के केस में। नोच मतलब क्या है, जैसे ये ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है आपका, डक्टाइल मटेरियल है, इसमें नोच प्रेजेंट है। नोच मतलब छोटा मोटा सा क्या है, क्रैक प्रेजेंट है, इस टाइप का छोटा मोटा सा ये क्रैक प्रेजेंट है। अगर आपने इस पे क्या लगाया, टेंसाइल लोड लगाया, तो एट दैट लोकेशन ये सीधा क्या हो जाएगा, आपका क्रैक हो जाएगा, ज्यादा लोड रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, ब्रिटल फ्रैक्चर। ठीक है, तो दोस्तों आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनेशन कि ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होता है। ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होता है, व्हेन डक्टाइल मटेरियल बिहेव्स एज अ ब्रिटल मटेरियल, जब डक्टाइल मटेरियल किसकी तरह बिहेव करने लगे, ब्रिटल की तरह, तो इसी को बोलते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। इट अकर्स पहला इन कंडीशन ऑफ अंडर सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन और दूसरा प्रेजेंस ऑफ नोच। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज आपसे ये डिस्कस किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर मटेरियल, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, नेक्स्ट हमने आपसे डिस्कस किया ब्रिटल फ्रैक्चर। अब हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।